और नौजवानों को एक ड्रग एडिक्शन पे इन्होंने खासकर लगा दिया। जिस आपको लग रहा है कि बीजेपी बच्चों को ड्रग्स में लगा रही है? बिल्कुल क्या अब पीडीपी पर प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगेंगे? ये ऐसे कई सवाल हैं जो पीडीपी के वर्कर्स उठा रहे हैं। कल यूथ कन्वेंशन था कश्मीर में, पर उनको वहां पर यूथ कन्वेंशन करने नहीं दिया गया। इसी चीज का विरोध आज जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद महबूबा मुफ्ती दोबारा से हाउस अरेस्ट हो गई हैं। यह हाउस अरेस्ट का खेल महबूबा मुफ्ती के साथ लगातार चल रहा है। ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है? क्या वो जो उन्होंने पुराने स्टेटमेंट्स दिए थे उनको आज भी याद रखा जा रहा है? और अगर ऐसा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परवेज वफा जी समय समय में मौजूद हैं, चलिए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश कि आखिरकार क्या, कैसे, क्यों, आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई कि कल एक यूथ कन्वेंशन था और उसमें लोगों को भी आने नहीं दिया गया और वहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, जो कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कन्वेंशन थी, यूथ कन्वेंशन, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट कश्मीर के नौजवानों से बात करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो मसले मसाइल उनके हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, वो उनके साथ बात करें और जो कश्मीर के हालात इस वक्त हैं, जिसको नया कश्मीर बताया जा रहा था, वो नए कश्मीर के हालात पूरी दुनिया के सामने रखें। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि दिल्ली गए थे, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे धरना भी दिया और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताया कि कश्मीर के अंदर किस तरह से इनोसेंट किलिंग्स की जा रही हैं, किस तरह से फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। तो सच्चाई को आप दबा नहीं सकते, आप किसी की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। आप भले ही उस शख्स को जेल के अंदर बंद कर दो, घर के अंदर बंद कर दो, बट उसकी आवाज़ या उसके ख्यालात को बंद नहीं कर सकते। जो सच्चाई है वो हमेशा सामने उभर के आएगी। और जिस तरह से कल कन्वेंशन थी, तो आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब भी खन्ना बल के अंदर, वहाँ पे उनको अलाउड कर दिया गया। और बीजेपी की भी प्रोग्राम था, कहीं दरहाल में, आई थिंक दरहाल में था, जहाँ वहाँ पे रैना साहब भी थे। तो इनको अलाउड किया जाता है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, हमें क्यों नहीं? ये जो सवाल है, ये सवाल क्या कोविड प्रोटोकॉल सिर्फ आपको बोला, ये सिर्फ पीडीपी वालों के लिए होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा? मना किस वजह से किया गया था? आपको ये सवाल जो है, ये इन लोगों से पूछना चाहिए जिन लोगों की हुकूमत जो है वो दिल्ली के अंदर है। आज तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इतने सताए हुए, उन्हें ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है कहाँ पे। पहले तो श्रीनगर होती थी, आज तो श्रीनगर भी नहीं नज़र आ रही। आज तो ऐसा लग रहा है कि हर जो फरमान है वो दिल्ली से पास होके आता है और यहाँ की आवाम को इतना परेशान कर दिया गया है। मैं कहता हूँ कि चाहे वो जॉब के नाम से हो और चाहे वो महंगाई के नाम से हो, चाहे यहाँ के लैंड लॉज के नाम से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से हो, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा इनका पलिंदा जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि किस किस तरह के ये काले, एक से बढ़कर एक काला कानून जो है वो लोगों के सामने ये सरों पे मढ़ रहे हैं। और देखा होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 5 अगस्त 2019 को काला दिवस मनाती है जी। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ 370 को तोड़ा गया और वही आवाज़ जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उठाती है कि ये गैर कानूनी तरीके के साथ हमारा 370 रिवोक कर दिया गया। और इसी आवाज़ को दबाने के लिए ये हमारी पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे लीडरों को बार बार जेलों के अंदर बंद कर देते हैं, कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा, कहीं पे लीडरों की तोड़फोड़ कर दी गई, पार्टियों की तोड़फोड़ कर दी गई। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बखूबी जानती है कि उन्हें आने वाले वक्त में क्या करना है पीडीपी से, या फिर पीडीपी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। जनाधार लग रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? अगर इसे आप डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये मुझे डर के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है इनके नजरों के अंदर। ये डरते हैं हमारी पार्टी प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के युवाओं से इनको डर है ना। इन्होंने वो 50,000 नौकरियां दी जो वायदा इन्होंने किया था वो तो दी नहीं, जहाँ की जम्मू कश्मीर की माइनिंग का मसला जो था वो भी इन्होंने नहीं दिया।
माइनिंग भी बाहर वालों को दी थी, यहाँ के जो बड़ी बड़ी कंपनीज इवन के जो आई हुई हैं कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उनके अंदर भी आपने देखा होगा यहाँ का लोकल जो है लेबर वाला भी इन्होंने बाहर का लगाया हुआ है, ऑफिसर तो लगाया लेबर भी बाहर का लगाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल इन्होंने सड़क पर ला के खड़ा कर दिया हुआ है कि जाइए आप कर्जे तले मरिए, और नौजवानों को एक ड्रग एडिक्शन पे इन्होंने खासकर लगा दिया। जिस नौजवान के पास ये क्या लगता है किसने लगाया है, कौन लगा रहा है? ये जो भी होता है ये मौजूदा जो हुकूमत होती है इसकी जिम्मेवारी उसी के सर पे होती है। यानी कि बीजेपी इस समय आपको लग रहा है कि बीजेपी बच्चों को ड्रग्स में लगा रही है? बिल्कुल, जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जब उसे नौकरी नहीं मिलेगी, जब उसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी, जब उसे काम करने को नहीं मिलेगा, तो वो ड्रग्स की तरफ जाके अपने आप को ड्रग एडिक्टेड होके वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप देखिए ये हर घर घर की स्टोरी है, एक घर घर की कहानी यही है। हम मिलते हैं नौजवानों के साथ, हम पीर पंजाल का पूरा दौरा किया हमने चिनाब वैली के अंदर दौरा किया, और हमें यही चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली कि नौजवानों के हालात जो हैं वो इस तरह से क्यों है कि वो मैक्सिमम जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगी जो मैंने शुरुआती में भी कहा कि महबूबा मुफ्ती का हाउस अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्या जो पुराने स्टेटमेंट्स दिए हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो नहीं किया जा रहा? देखिए तानाशाह सरकार है, किसी की सुनने वाली तो है नहीं। इन्होंने एक से बढ़कर एक काला फरमान जो है वो दिल्ली से यहाँ तक पहुँचाना है जी। अगर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने पुरानी स्टेटमेंट्स को लेके, तो इनको 1.5 साल के लिए जेल के अंदर भी बंद कर दिया गया। आपको आप शायद भूल गए होंगे क्योंकि इस दौरान पे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो राइट्स किस तरह से बंद कर दिए गए, आपको याद होगा किस तरह से मोबाइल फ़ोन बंद थे, इंटरनेट फ़ोन बंद थे, लैंडलाइन फ़ोन बंद थे। मतलब जो बच्चे बाहर पढ़ते थे उन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे जो परिवार के बाकी के लोग सदस्य घरों के अंदर हैं क्या वो जीवित हैं या मृत्यु हैं या किस हालात के अंदर हैं। स्कूल एजुकेशन का सिस्टम टोटली इन्होंने बैन कर दिया। कोविड तो 2020 में आया, 2019 में कोविड तो नहीं आया। क्या वहाँ क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों को कोई हक नहीं है पढ़ने का? एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया। फिर उसके बाद जॉब सिस्टम तो इनके पास रहा ही नहीं, इन्होंने जो हक हकूक थे लोगों के उनको बिल्कुल कोलैप्स कर दिया जी। तो जिस तरह से आपने कहा स्टेटमेंट्स का, अगर स्टेटमेंट्स था तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है महबूबा मुफ्ती पर, क्या लगता है आपको? कीजिए ना आप कार्रवाई, कीजिए आप कार्रवाई, किसने मना किया आपको कार्रवाई? क्योंकि हमेशा लोग तो यही कहते हैं, बीजेपी भी यही कहती है एंटी नेशनल स्टेटमेंट दे रही है महबूबा मुफ्ती। कौन सी एंटी नेशनल स्टेटमेंट दी है मुझे बताइए? उनके फादर मुफ्ती सैयद जो थे वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है, और आज जो है उनकी वाइफ बेगम साहिबा को उनको भी सम्मन भेज दिए गए ईडी के, उनके भाई को भी ईडी के सम्मन भेज दिए गए, मैडम को खुद ईडी के सम्मन भेज दिए गए। मुझे बताइए कौन सा एक कानून ऐसा कहता है कि होम मिनिस्टर की जो बेटी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी आप इस तरह से जुल्म सितम उनके ऊपर कीजिए? कौन कहता है? इस तरह से कंट्रीज नहीं चलती हैं, देश इस तरह से नहीं चलते। देश को चलाने के लिए आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना होगा, आपको गोडसे की बताए हुए रास्ते पे नहीं, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे कई सवाल हैं जिस सवाल पर जवाब देना अब ज़रूरी हो रहा है। लगातार बीजेपी को तानाशाह सरकार का टैगलाइन दिया जा रहा है। पिछली बार महबूबा मुफ्ती ने इसी ऑफिस के बाहर ये बात कही थी कि जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, वो आईएसआईएस का काम कर रही है। आज ये कहा जा रहा है कि वो खुद ही युवाओं को किसी और में नहीं बल्कि ड्रग्स में इन्वॉल्व कर रही है। क्या बीजेपी सच में ऐसा कर रही है या नहीं, आप इसकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।